नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। विश्व के कई देशों में पांव पसार चुके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की हर वर्ग सराहना कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं जनता से जनता कर्फ्यू में सहयोग की अपील की थी और इस अपील का असर यह हुआ कि लोग इसकी पालना में एकजुट नजर आए। लोगों का कहना था कि कोरोना वायरस को भगाने, इस वायरस से बचाव, इस महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में हर वर्ग को साथ देना चाहिए। लोगों के जागरूक रहने से ही कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। आज जनता कर्फ्यू लागू है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सरकार के निर्णय के अनुरूप लोगों ने स्वतः ही अपने संस्थान बंद कर रखे हैं। बाजार भी पूरी तरह से बंद है और लोग अपने अपने घरों में हैं। कुल मिलाकर कोरोना वायरस की लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए देश की जनता सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम चल रही है। मोदी जी द्वारा जनता कर्फ्यू भी की गई अपील कोरोना वायरस की लगातार पैर पसारते श्रृंखला को तोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। अतः हम सब लोग जनता कर्फ्यू का पालन करें और हमें घर पर ही रहें। इस याद रहे, इट्स नॉट कर्फ्यू, इट्स केयर फॉर यू। थैंक यू। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कोरोना वायरस के लिए उन्होंने बहुत अच्छा अभियान चलाया, ये उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे शहर गंगानगर शहर में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, सब अपने अपने घर में बंद है। बहुत बढ़िया लग रहा है, ये पीएम मोदी जी ने बहुत ये कर्फ्यू लगा के जनता के लिए, बहुत रोगों से बचने के लिए उन्होंने ये उपाय ढूंढा है, ये बहुत ही बढ़िया है और हमारा पूरा सहयोग है। जनता कर्फ्यू ये देश हित में है, जिससे मतलब ये कोरोना वायरस जो आया है, फैला हुआ है, इससे निजात मिलेगी। जनता जितना सहयोग करेगी उतना इसके लिए बहुत बढ़िया है और प्रधानमंत्री भी इसके लिए सराहनीय है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।